अगर देखो सब सुख सुख ही खोजेगा जीवन में, कि हमेशा खुशियाँ रहे, सुख रहे, सुख रहे तो नहीं रहता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, जब सुख के बाद दुख आता है ना। शायद ना मतलब कि हम नहीं गए रहते बीच में, तो शायद एक चांसेस था कि जा पाते, लेकिन अभी अभी फिलहाल देखते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है ना शीशा, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है और एकदम मतलब इसमें ना थोड़ा सा टूटा हुआ है, जब हम लोग ला रहे थे तभी थोड़ा सा क्रैक कर गया था। तो इस पर हम लोग कुछ साइड तो दिए हैं, इसको चेंज भी करवाना है। और अभी कुछ बर्तन का आवाज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा। इस ब्लॉग में मैं मम्मी से पूछने वाला हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़, जो कि आप लोगों को ब्लॉग लास्ट तक देखिए, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और इसमें मैं पूछूंगा रंजना को क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ रहेगी होली में कि नहीं रहेगी, क्या करना चाहिए, इसमें सब आप लोगों का आंसर पता चल जाएगा। और बाकी आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो गाइज़ अभी हमारे स्कूल में होने वाला है एग्ज़ाम, फाइनल पेपर, तो इधर एकदम अस्त व्यस्त हुआ था, तो इसका जो है ये प्रिंटर भी अब बन जाएगा। और उसी के साथ साथ सारे बच्चे लोगों का जो है ना रिवीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसको आके एक बार चेक करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद से सब लोगों का जो भी पेपर सेट हुआ है वो भी चेक करना है अभी। तो चलिए काम आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि एक बच्चा वहाँ खड़ा हुआ है और ये सारा जो है ना ये पेंटिंग वाइट कलर से हो रहा है और उसके बाद से कुछ डिज़ाइन बनेगा इसके ऊपर। और ये हमारा कैंपस है, तो अंदर भी है क्लास, तो ये सारा का सारा कलर हो रहा है। जैसे ये सब फिनिशिंग होने के बाद से बहुत सारा चीज़ इसमें चेंज होगा। ये है ऐसा कुछ क्लासरूम, ये सब प्लांट लगा हुआ है। हॉस्पिटल में उनका पोता हुआ है, तो वह देखने तो आके नहाए थे। हॉस्पिटल से हम लोग आते हैं तो मन नहीं मानता है, बगैर नहाए लगता है कि सब हॉस्पिटल से मतलब ये रहता है, थोड़ा सा घर में आके सोने वोने में रहने में बेड बिछावन फिर धोना पड़ता है, तो इसके वजह से कभी भी लेडीज़ डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल से कोई आता है तो वहाँ से आके नहाना चाहिए। और नहा के कपड़ा, ये नाइटी पहने हुए थे रात में, तो शॉर्ट वीडियो भी प्रिंस बनाए। और क्या है कि ये जेरी को नहलाना है, तो इसको बहुत जू पड़ गया है, उसके लिए मेडिकल मंगाए हैं, तो सोचे हैं कि आज इसको नहला भी दें। तो यहाँ इसको जेरी को ले जा रहे हैं नहलाने। आप जेरी नहाना है, तुमको नहाना है बच्चा है? तो गाइस देखिए यहाँ इतना सारा जू है इसके बाल में, देखिए गाइस ये उड़ भी रहा है जू, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा कुछ जू है। तो जा रहे हैं अभी मेडिकल लगाएंगे इसको, उसके बाद कंघी करेंगे बैठा के, हम भी नहा धोवा लेंगे तब। यहाँ पर देखिए ये इतना सारा है जू, यहाँ बहुत सारा जू हो गया है सब इसको, तो यहाँ इसको रखना ही मोल नहीं होता है, समय समय से ध्यान देना पड़ता है सबको। तो हम सोचे हैं कि आज इसको एकदम अच्छी तरह से नहलाएंगे। तो आप लोग को लेके चल रहे हैं वीडियो को और खूब सारा इंजॉय कीजिएगा आप लोग। और जा रहे हैं अभी तैयार होने, नहा धोवा के इसको भी नहला लें, हम भी नहा धोवा लें, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, तब तक बने रहिए आप लोग। सो गाइस यहाँ पे मेडिकल जो है ये मेडिकल चार पॉकेट लगा दिया है इनमें, इसलिए कि अब सोचे हैं कि अच्छे से इनको थोड़े देर के लिए ऐसे ही लगा के रख दें और पूरा जू निकल जाए। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैं आया हूँ घर पे, तो यहाँ पे देखा कि रंजना खाना खा रही है और वो भी एकदम अच्छे से खा रही है। आज खाना में है हम लोगों का चावल दाल और चटनी बहुत ही ज़्यादा, और सुपम में बना था, तो अभी अचार के साथ खा रही हैं क्योंकि हम लोगों को ना अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस ब्लॉग लेके चलते हैं आके। तो गाइस फाइनली ये वाला जो साड़ी देख सकते हैं आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है ये साड़ी। और ये हाँ। साड़ी जो है मम्मी दी हुई थी, मेरे पसंद का
इसका चढ़ा हुआ में भेजे थे रंजना के, और सरद साड़ी है जो कि अभी उसका ब्लाउज नहीं हो पाया है। तो अभी हम घर जाएंगे गांव, तो वहां पे क्या है कि इसका जितना हम इंगेजमेंट में साड़ी दिए हैं वो सब वहां बक्सा में रखा हुआ है गांव पे। तो जाएंगे तो वहां से इसका सब ब्लाउज बनवाएंगे। और ऐसा है कि हम लोग तो इतने साल पुराने सब साड़ी पहनते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग इनका तो नया नया शादी हुआ है तो अभी सब उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन जो भी है थोड़ा हेवी हेवी साड़ी है इनके पास, तो हम सोचते हैं कि सिंपल सिंपल साड़ी हल्का हल्का पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो जाएंगे इस बार गांव, तो इनका ब्लाउज वगैरह जो भी होगा सब कपड़ा दे देंगे सिलने के लिए। तो देखते हैं कब जा रहे हैं घर, और प्रिंस लेके जाएंगे, हो सकता है कि रंजना भी जाएगी इस बार, थोड़ा सा वहाँ देखे उखेंगे लो और उसके बाद फिर आ जाएंगे लो। तो चलेंगे दो चार दिन में। तुमको घर जाना है तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं हमको चलेगी। हाँ, क्यों नहीं। तो क्या लगता है आपको होली में इस बार कहाँ रहेगी? ये होली में हम लोग के साथ रहेगी। और पहला होली कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग हैं तो हम लोग अकेले तो रहेंगे नहीं ना, इसलिए साथ पापा जी तो बोले थे कि ये क्या बोलते हैं होलिका दहन होता है ना। हाँ, उस दिन उस दिन चले जाएंगे हम लोग और तुम लोग यहीं रहना, और फिर होली के दिन पूरा घर एक साथ हो जाएंगे। हाँ। तो होली के दिन हम गांव से ही होली मनाते हैं, सबको पहले से ही पता है, तो गांव हम लोग होली मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, कोई तरह का कुछ ये नहीं होगा। ससुराल में मेरा पहला होली, इसका पहला होली है, तो पूरा गांव के लड़की सब आएगी लोग, और वहां का जो भी होंगी सारे महिलाएं लोग भी आएंगी, तो अच्छा लगेगा। और हम भी बहू रहेंगे, ये भी बहू रहेगी, दोनों आदमी बहू रहेंगे लोग वहां। तो और तो गाइस आप लोग साड़ी तो देख ही लिए, तो कुछ बोलना चाहेंगी? तो आज हम ये साड़ी पहली बार पहने हैं, ग्रीन ग्रीन, और इसका मैचिंग एयरिंग पहने, क्योंकि हमेशा गोल्ड का पहने मैं बोर हो गई थी, तो बोले कि आज इसका साड़ी का मैचिंग पहन लेते हैं, तो आज पहने। और आज इस पर हम लोग खूब रील भी बनाए हैं मम्मी जी के साथ, जो कि मेरी आईडी पे भी मिल जाएगा, प्रिंस की रंजना, और मम्मी जी की भी आईडी पे मिल जाएगा, रंजू 13। आप लोग जाइएगा और खूब फॉलो कीजिए। हाँ। और वहाँ भी आप लोग मिलेगा अच्छा अच्छा रील, तो अब आराम से बनाना है और अपने काम में लगे रहना है और खूब एंजॉय करना है, अब दुनिया में कुछ है नहीं, खूब लाइफ एक बार मिलता है, मस्ती से रहना। अच्छा एक बात बताइए, 2-3 महीना तक हम लोगों का एकदम मस्त, कोई टेंशन अच्छा नहीं था, सब कट रहा था, और ये तूफान आया, कोई नहीं होते रहता है। अगर देखो सब सुख सुख ही खोजेगा जीवन में, हमेशा खुशियाँ रहे, सुख रहे, सुख रहे तो नहीं रहता है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, जब सुख के बाद दुख आता है ना तो आदमी को कष्ट होता है, लेकिन जब दुख के बाद सुख आता है तो आदमी को क्या है, खुशी मिलती है, उसका अनुभव प्राप्त होता है कि आहा आज ये अच्छा बेड खरीद लिए, आहा आज ये हम अच्छा से खाना बना के खाए हैं। और पहले क्या रहता है ना कि गरीबी रहता है, तो गरीबी में आदमी सोचता है कि नमक रोटी भी टाइम पर मिल जाए वो भी अच्छा लगता है, लेकिन हमको भी तो भाई अच्छा लगता है दोनों चीज़, चलिए अमीरी है गरीबी है दोनों भाई है साथ है, दिन है रात है एक बराबर होता है, और ऐसा ही जीवन कट जाए हंसते खेलते, इससे बड़ा जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग भी मस्त रहिए और खूब अच्छे अच्छे वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए, और भी वीडियो हम लोग लाएंगे शाम को, आप लोग को फिर रात में हम लोग वीडियो डालेंगे, आप लोग देखिएगा। और हम लोग ये भी सोचिए कि हम लोग डेली एक एक स्टोरी बनाएंगे। हाँ, स्टोरी डालेंगे हम लोग, अधिकांश होगा कि हम लोग को स्टोरी बनेगा, और हमको पहले से शादी के पहले से ही मन में था कि हम लोग स्टोरी बनाएंगे, तो हम लोग स्टोरी बनाएंगे, और आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए मेरे पूरे फैमिली को, अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, और झाड़ू लगाना है। तो गाइस अभी तो झाड़ू लग रहा है, लेकिन एक बात पूछना था रंजना, तुमको घर जाने का मतलब लगा था क्या कि होली में तुम जा सकती हो ऐसा कुछ? हाँ, हमको लगा था एक पल के लिए कि शायद जा सकते हैं, शायद अभी देखा जाए क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि और क्योंकि हमको जब गए, अगर शायद ना मतलब कि हम नहीं गए रहते बीच में, तो शायद एक चांसेस था कि जा पाते, लेकिन अभी फिलहाल अभी देखते हैं क्या लगता है क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं,
लेकिन ऑलमोस्ट तो सभी के प्यार दिए आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऑलमोस्ट तो सभी का कमेंट आ रहा है कि रंजना का पहले होली उसके मायके में होना चाहिए, तो ऐसा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन कान का कहाँ से लिया? ये कान का तो मैं वही जहाँ मेरा फेवरेट शॉपिंग है वहीं से। कितन मार्केट? ये चूड़ी मार्केट? चूड़ी मार्केट से ही। तो इसका गले का भी सेट है, तो भी मतलब कि सोचे पहने के, लेकिन बोले कि नहीं, लेकिन उसको भी बहुत जल्द पहनकर मैं रील बनाऊंगी। और भी मेरे पास कुछ, अभी तो मेरे पास बहुत सारे ज्वेलरी हैं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि निकालूँ, पहनूँ और फिर रील बनाऊँ। तो अभी चलते, अभी हमको मतलब कि शाम का टाइम हो रहा है, शाम नहीं हुआ है,